उत्थे कथित इतराजयोग वीडियो का मामला पकता जा रहा है। पंजाब सरकार के मंत्रियों का भी जवाब सामने आया। ब्रह्म शंकर जिंपा का बयान सामने आया कि कोई भी वीडियो इदां दी नहीं आई, इल्जाम लाना गलत है। तो नाल ही उन्होंने कहा कि मैनू नहीं लगता कि कोई इस तरह की गल कर सकता है, पार्टी की सरकार इन्हां गल्लां ऑब्जर्व करती है। पर दूजे पासे सीएम मान ने भी यह गल आखी है कि उन्होंने कोल भी किसी तरह का कोई अस्तीफा नहीं आया। दस दिए कि कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा का भी इस मुद्दे उत्ते बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इदां दी कोई भी गल नहीं है, कोई वीडियो उन्होंने कोले सामने नहीं आई, इल्जाम लाना इदां गलत है, बेबुनियाद इल्जाम लाना गलत है। तो उन्होंने कहा कि मैनू नहीं लगता कि कोई इस तरह की गल कर सकता है। मंत्री मंडल का जिहड़ा है वह पकता जा रहा है। विरोधी धिर जिहड़ियां ने लगातार एक वीडियो की गल कर रही ने, कहिंदे कि जो वीडियो सामने आई है वह मंत्री लालचंद कटारू चक दी है। उस वीडियो में लैके मनजिंदर सिरसा जिहड़ा वह दावा कहते हुए नजर आ रहे भाजपा के नेता ने, कहिंदे कि यह वीडियो के जो हरकत हुई असीं जुबानी दस नहीं सकते, इसनों किदां देखा जा? देखो हज तक तो ये अखबारां सोशल मीडिया जां खहरा साहब जां तुसीं सिरसा साहब का गल दसी है। खहरा साहब का कल मैं बयान सोशल मीडिया देखता पिया सी, बट गल ये है भी इन्हें देखो किसी के बिना उस तो भी इल्जाम लगाना गलत हुंदा मेरे लिहाज के नाल। और जिहड़ा इहदा फैसला कोई भी अगर इदा दी गल हुंदी मॉरली चीज़ां साढ़े जिहड़ियां साडा जरूरी है क्योंकि समाज के विच असीं रहिंदे हैं, लेकिन मैनूं नहीं लगता कोई इदा दी गल है। जेकर गल की जाए कह रहे वीडियो गवर्नर साहब तक भी पहुँच गई है, कार्रवाई फिर किस तरीके देखा जाए कि सरकार जेकर कुछ अजि गल निकल के सामने आती फिर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने लाहेबंद? देखो पार्टी और सरकार जी है इन्ह चीज़ों ऑब्जर्व करती है, तो उन्होंने जो साढ़े उन्होंने पार्टी तो देखेगी अगर कोई इदा की गल सामने। तो होर वधेरे जानकारी लिए पत्रकार साहिल नरूला साडे नाल जुड़ चुके हैं। साहिल, की कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? मंत्री लालचंद कटारू चक के उत्ते सियासत पकी हुई है। एक पासे आख्या जा रहा है कि उन्होंने वीडियो सामने आने तो बाद उन्होंने अस्तीफा दिता है, पर दूजे पासे सीएम मान का आखना है कि उन्होंने कोल कोई भी अस्तीफा या वीडियो सामने नहीं आई। बिल्कुल अमन, जेकर गल करिए जिस तरीके लगातार जी इतरारयोग जी कह जा रही है कि मंत्री लालचंद कटारू चक खन्ना की जी सामने आ रही है उसनों लैके राजनीति जी लगातार भखती नज़र आ रही है। दूजे पास जेकर गल की जाए क्योंकि जलंधर दियां जिमनी चोणां बेहद नज़दीक ने, उस तो पहला अजिहा मुद्दा सामने आना अपने आप दे विच कई वड्डे सवाल जिहड़ा उह जरूर खड़े करता है। दूजे पास जेकर गल करिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो सीधे तौर के उत्ते कहते हुए नज़र आए हैं कि उन्होंने तक अजिही वीडियो कोई नहीं पहुंची, खास करके जिवें इस्तीफे की भी गल मनजिंदर सिरसा वालों की जा रही थी उसको लेकर भी सीधे तौर उत्ते कह गया कि सीएम भगवंत मान ने यही गल कही है कि उन्होंने को अस्तीफा जिहड़ा है नहीं पहुंचा। सो उस चीज़ को लेकर भी सीधे तौर उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहते नज़र आए हैं कि जिस तरीके ना जलंधर जिमनी चोणा जिहड़ियां बेहद नज़दीक आ चुकिया हुई ने उदों तो ही जिहड़ा है विरोधी धिर दे विच जिहड़ी बौखलाहट जिहड़ी है वह वधी हुई है, जिस करके अजिहे प्रोपोगेंडे जिहड़े ने अजिहे मसले जिहड़े ने उन्होंने जिहड़ा सामने लैके आता जा रहा है। दूजे पास जेकर गल करिए मनजिंदर सिरसा हणा की, उन्होंने का सीधे तौर उत्ते कहना है कि जिहड़ी हरकत वीडियो के हुई ने वो हरकत जी जुबानी बयान नहीं की जा सकती, तो सीएम भगवंत मान के कोल खुद मंत्री लालचंद कटारू चक उन्होंने को मौजूद ने, तो उन्होंने तो जाके पूछने। सो अजिहे जे सवाल जो मनजिंदर सिरसा वालों भी लगातार चके गए। दूजे पास गल करिए सुखपाल खहरा हणा की, उन्होंने भी सीधे तौर उत्ते इन्नी गल कहना है कि वीडियो जी है वो सामने आ चुकी हुई है, वीडियो उन्होंने सीधा गवर्नर साहब तक पहुँचाई है, पुलिस ने वीडियो इस करके नहीं दी गई क्योंकि हो सकता है कि सरकार उन्होंने दबाव बनाए, अजिहे बयान सुखपाल खहरा के सामने आ रहे हैं। सो कई वड्डिया जे कई जे वे सवाल जे इस कथित वीडियो में लैके जुड़े ने वो खड़े हो चुके हैं। विरोधी धिर लगातार सवाल खड़े कर दिए नज़र आ रही है। एक पास विरोधी धिर सीधे तौर उत्ते गल कह रही है कि वीडियो सामने आई है, पर दूजे पास मुख्यमंत्री भगवंत मान सीधे तौर उत्ते इस गल का खंडन करते नज़र आ रहे हैं, या फिर कह लिए कि जेडे दोष मनजिंदर सिरसा वालों लगाए गए हैं उन्होंने नकारते हुए नज़र आ रहे हैं कि अजिही वीडियो हाले तक जी है वह सरकार तक नहीं पहुंची है, तो ना ही जो मंत्री लाल ठीक है। साहिल नरूला, तुसी लगातार लाइन के उत्ते बने रहो।